guys, welcome back to our channel. Today we are going to tell you facts about Dracaena. Dracaena जो है इतना खूबसूरत प्लांट है, ये रेड कलर में है और इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है अभी हम आपको बताते हैं। कीप वॉचिंग। मेरे पास रेड ड्रेसिना की दो वैराइटीज़ हैं, इनको बेबी डॉल भी कहते हैं। एक इसकी कॉर्डिलाइन जिसकी पत्तियां लंबी होती हैं, नीचे से ये सब्ज होता है और ऊपर से ये रेड होता है। दूसरी वैराइटी कॉम्पैक्टा है जिसकी लीव थोड़ी छोटी होती हैं। इसकी केयर बहुत इजी है, ये लो लाइट पसंद करता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊँचा होता है लेकिन नीचे से ये बुशी नहीं रहता। हमारे पौधे बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, इनको थोड़ा सा भी इग्नोर करें तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इनको टाइम पर प्रून करना चाहिए, यानी जले हुए पत्ते इनके हटा देने चाहिए। सेमी शेड में ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। अमेजिंग प्लांट है कि इसके होते हुए फूलों की कमी नहीं महसूस होती। मानसून के मौसम में इसको प्रोपगेट करने के लिए इन्हीं की टहनियाँ काट कर अगर जमीन में या पॉट में लगा दी जाएँ तो उसके नए प्लांट बन जाते हैं। ब्रांचेस आसानी से मिट्टी में ग्रो कर जाती हैं। इनको साल में दो बार फर्टिलाइजर चाहिए, फरवरी और मार्च के महीने में। गर्मियों में अगस्त और सितंबर में इसको एक कंपोस्ट डाल दें, उसे ये सारा साल बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। मानसून में इसको प्रोपगेट कर सकते हैं आप। एक ब्रांच इसकी ली और इस पॉट में लगा दी तो वो देखिए एक नया प्लांट बन गया और इससे भी आगे से दो ब्रांचेस बन गई हैं। ये इस पॉट में 3-4 साल तक अच्छी तरह ग्रो करेगा। ऑटोमेटिकली ये प्लांट जब ग्रो करते हैं तो बाद में ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इससे आप नए प्लांट तैयार करते रहें। अपने घर के गार्डन में इस प्लांट को लगाएं और इसको देखें और इसकी पॉजिटिव एनर्जी दें। मुझे तो लॉन्ग प्लांट है, बेसिकली ये इंडोर में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। We made a video quiet after a long time because I was busy in my studies. So I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, share and subscribe. Bye. Bye.